मैं रोक लूंगा सर, मैं रोक लूंगा। बेहतरीन बम्पर, ग्रैंड एंट्री हो गई अपनी। भैया रेप तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही गाइस। हम ना थोड़ा बाइक वाले हैं ना, मेरे को पकड़ लिया गया था। घर पे बोर होने से बढ़िया यहाँ पे आ गए। नशे में बाइक चला रहे हो, मुंह सूंघियो इसका। इतने इंच से बचाओ भैया, मैं मर जाता फिर मेरा कौन करता। कलर करेक्शन अलॉय व्हील्स भाई। तो जी नए दिन की शुरुआत हुई है अपने बाइकर गैंग के साथ और पैंथर के साथ। सो जी ये 10 RRB फॉर सेल है, पेट्रोल नहीं है इसके अंदर। पेट्रोल डलवा लेते हैं 10 RR के अंदर पेट्रोल नहीं है। एक सेकंड जी, अपनी RR के अंदर कितना पेट्रोल है वो भी चेक कर लेते हैं। और जस्ट अभी अपन लोग बाइकर 7 से निकले हैं। वो हवा कम है यार, चाहे गलती से बाहर पे चला गया। 97 की मेरी रेंज दिखा रहा है। सो फटाफट से ना फ्यूलिंग करा दे। नहीं मेरे को तो कहीं जरूरत लग नहीं रही यार। तो हाफ टैंक पेट्रोल है अपनी बाइक में, आते टाइम देखेंगे। और भाई इतने टाइम बहुत ऐसे शाम की गेड़ी पे निकले हैं ना भाई, और रे 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 स्वाद आ गया बस। एक इसने फुचुक करके पटाखा मारा और भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। हम यहाँ रोक लेते हैं। तो वही 10 RR के अंदर भाई हमारे कराएंगे फ्यूलिंग। हमारी बाइक में वैसे है हाफ टैंक। ओए होए होए, बाइक धुल के इतनी सुंदर लगती है ना भाई, ओए माय गॉड। सो भाई इतने फ्यूल कराएंगे, हम यहाँ पे रोक लेते हैं। बाकी जी आज सीधा ही मोटो व्लॉग से मैंने गेम शुरू करा। एक तो सुभांश मेरे साथ है, एक यश मेरे साथ है, और हम सब जा रहे हैं गुड़गांव क्योंकि जी संडे वाला दिन है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट होना चाहिए जिंदगी के अंदर। चलो जी चलो चलो चलो। तो जी अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट। भाई अपना आगे सुनो, अपने हिसाब से बाइक चलाना, किसी को देख के बाइक नहीं भगानी, ठीक है। सो जी ये टिप आपके लिए भी जिंदगी में, जब आप राइड करो ना सामने वाले को देख के कभी बाइक मत भगाओ, कसम से बता रहा हूँ। लंबा चलना है ना तो कभी किसी को देख के बाइक मत चलाओ, अपने हिसाब से चलाओ। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ ब्रेक लेनी है, आपको कहाँ थ्रॉटल देना है, आपको कहाँ खिंचा मारना है। सर्विस के बाद अच्छी चल रही है, बस 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 भाई। सो बाइकर सर्विस से अगर आप सर्विस करा दो तो भाई आप ना पास कर दोगे सर्विस। सो भाई की बाइक आई थी, मतलब ना बाइक बहुत अच्छी है। देखो बाइक ना आपकी इंजन वाइज अच्छी है, बॉडी वाइज अच्छी है, लेकिन ना उसकी अगर सर्विस ढंग की नहीं कर रही ना तो भाई वो ना फीलिंग वो प्लेजर वाला होता नहीं है गाइस। तो हमने भाई की बाइक की जब डिटॉक्स करना उसको शुरू करा, सिर्फ ना ऑयल चेंज करना सर्विस नहीं होता, जब हम शुरू कर गए ना इसके ऊपर काम करना, तब भाई हमें चीज़ें दिखती गई। एक एक चीज़ करके भाई हमने सारी चीज़ें फिक्स कर दी भाई, और बाइक बेहतरीन हो गई है, बढ़िया चल रही है एकदम टडल, और बहुत सुंदर लग रही है भाई। तो जिस संडे वाले दिन सनसेट हो रहा है और हल्का हल्का मधुर मधुर ट्रैफिक, और मधुर मधुर ट्रैफिक को हम चीरते हुए जा रहे हैं, और हम जो चीरते हुए जा रहे हैं, अरे भाई ये देखो यार रस्ते के बीच में बाइक रोक के भाई लेफ्ट ले रहा है, भाई बना लेते हैं हमारी प्यारी सी वीडियो। सो जी 911 करेरा एस जा रही है मेरे आगे से, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है जी, बहुत ही ज्यादा ऑसम। एक करेरा भी वही जा रही है जहाँ पे हम जा रहे हैं, अबाउट टू रीच राइट साइड में जो बिल्डिंग है हमें वहां पे जाना है। और एक बेहतरीन सा अंडरपास आ गया जहाँ पे थोड़ी सी स्वाद ही आ गया जी, स्वाद। ये देखो रिक्शे वाले भैया थोड़े से कंफ्यूज हो गए गाइस। सो जी लेफ्ट साइड पे इवेंट है, चलो जी आगे 2 नंबर गेट से एंट्री लेते हैं। इधर हो रहा है जी DLF साइबर पार्क के अंदर इवेंट। मैं रोक लूंगा सर, मैं रोक लूंगा। मैं भगाऊंगा नहीं सर, मैं रोक लूंगा, टेंशन ना लो। सो जी मेरे को पकड़ लिया गया था और छोटा सा चालान कट गया। अब देखते हैं एंट्री कहाँ से है। कुत्ता तुम तो निकल गए। देख देख गोप्रो ऑन कर लिया, देख देख देख। चलो जी चलते हैं यहाँ से।
ज्यादा जोश में लग रहा है मेरे को। नहीं रहन दे बे, रहन दे। चलो जी, ग्रैंड एंट्री हो गई अपनी। अभी कुछ ऐसे सीन्स हैं, इवेंट ना अभी सही से स्टार्ट नहीं हुआ। इधर गाड़ियां वगैरह, गाड़ियां बहुत सारी इधर गाड़ी रेंट ले, और इधर ना हमने बाइक खड़ी कर दी है। जो खतरनाक चीज है वो ये है भाई, सारी सुपर बाइक के बीच में भाई की हमने जीटी लगवा दी है। और गाइस कोई गुमान नहीं है हमें, कोई गुमान नहीं। अरे रे रे रे, कैसा है मेरे भाई? बढ़िया भाई, सारी गाड़ियां एक तरफ, जो हमने आगे ही चलना, आगे चलना, हमें नहीं पसंद गाड़ियां, हम भाई के देखने आए हैं गाड़ियों के शो के अंदर भी। सो जी, अब तक आपको अपना मैंने चांद सा रोशन चेहरा नहीं दिखाया था। पीछे थोड़ी बहुत गाड़ियां खड़ी थी, मतलब इतनी गाड़ियां नहीं खड़ी थी जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी यहाँ भी नहीं खड़ी। मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है किसी कॉर्पोरेट की पार्किंग है, बीच में एक आधा कोई झोटा खड़ा है तगड़ा सा। ये देखो जी, बस ये हाल है। और बीच बीच में ये बने हुए हैं भाई, हवा फेंक रहे हैं बहुत तगड़ी, गटर की बदबू के साथ। हट जाओ भाई, हट जाओ भाई, हट जाओ। सब जोश में है भाई यहाँ पे आज। ले लेते हैं भाई सारे मिल बांट के ना, ये टायर टायर ले लेते हैं भाई, फॉर्चुनर में लगा लेंगे। ओरे बाप रे, सुंदर लग रही है भाई। खींचने का तो ठीक है, खींचना क्या होता है भाई? ये क्या करा हुआ है भाई? दूर से अलग चमक रहे हो भाई तुम, दूर से। नाइस वीडियो भाई। ये लग रही है यार एकदम बढ़िया गाड़ी, मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बंपर, कलर करेक्शन, अलॉय व्हील्स भाई, मजा आ गया गाड़ी देख के। और भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, बट भाई ये अलग से स्टैंड आउट कर रही है। ये बहुत शोर मचा रहा है भाई, ये बहुत शोर, इसका तो शोर सुनाई नहीं दे रहा है इसके शोर के आगे। भाई मेरे को था कि कुछ अलग गेम होगा, हट जाओ भाई, ये गाड़ी शोर आ रही है पीछे से। ओए होए 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 होए, भैया इतनी तेज क्यों चला रहे हो, क्या जल्दी हो गई? भैया रेप तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही गाइस। हम ना थोड़ा बाइक वाले हैं ना, तो हमें थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा पसंद है, हमारे कान ना वार्म अप नहीं होते। बट हाँ यार, गाड़ियों वाला इवेंट है बहुत बेहतरीन, मतलब ये लगाओ ना इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी हमारे, गाड़ी फेल हो जाए ना। हाँ, मतलब जितनी बार भी हमने स्टार्ट करी ना, मतलब यहाँ पे ना तीन बाइक लाउड है, एक ही ZX 10RR 900 भाई वाली, अपनी S1000RR, और ये निंजा 1000 GT तेरी खड़ी कर रखी है ना हमने, तू बेटर है अब। बट भाई ठीक है, संडे घर पे बोर होने से बढ़िया यहाँ पे आ गए, कुछ नया फील कर लिया भाई, कुछ नया देख लिया, मजा आ रहा है भाई। इवेंट बढ़िया है, इवेंट जो बढ़िया होता है ना क्राउड की वजह से बढ़िया होता है, क्राउड थोड़ा ठंडा है बट हाँ भाई ओवरऑल मैनेजमेंट तो इन्होंने अच्छी कर रखी है। तो जी, इंडिया की मशहूर गाड़ी जिमनी, ये क्या आ रहा है बीच में? अभी इसके पीछे कुछ है भाई तगड़ा। बैठे हुए हैं, खुशी भाई को देख देख कर हो रही है। और कोई भी आ रही है क्या? कुछ तगड़ा भाई, ये है भाई बहुत ही ज्यादा सुंदर कार। ये फिर से वही गाड़ी आ गई स्विफ्ट, ओरे बाप रे। ड्रीम कार आ गई, ड्रीम कार। आगे भाई ब्लू कलर में बहुत ही ज्यादा प्यारी, लेकिन जितनी तगड़ी गाड़ी उतना ही शरीफियत से निकाल रहे हैं भैया। मामला इतना ठंडा जा रहा है ना यहाँ पे, ये हमने फिर से बाइक स्टार्ट की है। चलो जी, सबसे बाय बाय। तो जी सबको बाय बाय करके फाइनली निकल रहे हैं, बहुत सारे भाइयों से मिले, बहुत मजा आया भाई, थैंक यू सो मच गाइस।
हेडर हेडर पूरे रंग बिरंगे हो गए होंगे। चलो भाई लड़के ने भी फुल फन करा आज। आओ चलो फिर कहाँ जाओगे? हम अपना जाएंगे सुमित के कैफे राइडर पैराडाइज। सब लोग एक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं लेकिन अब एक्शन नहीं देना मैंने। चलो जी फिर बोलूंगा गाइस मजा आ गया। मतलब देखो थोड़ा सा डिफरेंट संडे हो गया, बाइक लेकर आए ना तो एक अलग ही फन हो गया भाई। चलो जी। अरे बाप रे टनल में लाउड लाउड बाइक्स। बाकी जी यहाँ से निकल गए हम जा रहे हैं अपने पैराडाइज में, बोल तो राइडर पैराडाइज सुमित भाई का कैफे। बहुत दिन हो गए थे भाई, रात की गेड़ी नहीं लगाई थी, सो आज संडे वाला दिन था तो मैं कहा जी आज तो बनता है। एंड जी अपने पैंथर पे एक बड़े अरसे के बाद मैं आया हूँ सुमित भाई के कैफे। सो ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ, ट्रैफिक हल्का हल्का है लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। और भाई ये बारिशों के चक्कर में ना रोड ऐसा ऊपर नीचे हो गया कि भैया बस पूछो ही मत ना। सो मैं और मेरे चार भाई, मतलब भाई तो तीन हैं इन टोटल हम चार हैं। सो हम सब पहुंच चुके हैं सुमित भाई के कैफे, बोले तो राइडर पैराडाइज कैफे, अपना अड्डा भाई। बड़े दिनों के बाद आए अपने अड्डे के ऊपर। सारे भाई आ गए ना अपने? डन भाई। सो भाई बढ़िया से रिलैक्स हो गया, मतलब कसम से एसी में बैठ के इतना चिल्ड हो गया ना माहौल। ऊपर से हमने भाई बढ़िया खाना खा लिया। ये आ गया हमारे भाई, तू मोटा हो गया, मोटा हो गया। गाइस आज का कुछ टिप्पणी देना चाहोगे आज के इवेंट? हमारे टिप्पणी देंगे ठीक है, बस पैसे नहीं देने चाहिए। टिकट फ्री होती तो और मजा आता है। और बाइकर्स भी आए थे, तूने तो फुल मजा कर पीछे चल चल के बहुत देर बैठ चुके हैं, अब निकलेंगे यहाँ से क्योंकि इसको भी बाइक ड्रॉप करनी है ऑफिस में। मेरे को भी बाइक ड्रॉप करनी है। हमारे पैसे दिए हुए और उन्होंने वसूल करे जो अपने तमाशा मचाया ना। तमाशा तो भाई ने बचाया, वो जैसे ही बर्न आउट करने लगे मैं रुक गया। मेरे को लगा था कि भाई ट्रैक्शन वगैरह ऑफ करना पड़ेगा, मेरे को टाइम लगेगा, इतने भैया हो गए शुरू में, मैं एंजॉय कर लेता हूँ। चलो जी निकलते हैं ब्रदर। भैया मिले थे पहले मीटअप पे, भैया कह रहे हैं पहले गिवअवे में मैं लेके गया था। जो भी फ्यूल की रेंज दिखा रहा है वो 35 किलोमीटर की दिखा रहा है, बट मैं अभी डलवाने के मन में नहीं हूँ यार, मन नहीं कर रहा है इस पेट्रोल पंप पे रुकने का ना, क्योंकि एक तो जो मौसम ऐसा है ना पता नहीं क्यों हल्का हल्का बॉडी में दर्द हो रहा है, और भाई इतनी बाइक्स देख के ना एक साथ बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत दिनों के बाद सारे के सारे भाई लोग ऐसे राइड पे निकले हुए हैं एंड गाइस आई एम लविंग इट। और अपने पैंथर को भाई कुछ तो बात है भाई इस बाइक में, नथिंग कैन बीट दिस बाइक यार, नथिंग कैन बीट। हर किसी की एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मेरी पर्सनल चॉइस और मेरी पर्सनल डिक्शनरी में S1000RR से ऊपर और कुछ भी नहीं है यार। आई लव दिस बाइक यार कसम से यार। ZX10RR ना बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लगे बाइक रूप, मतलब ये लगा लो पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ 500 बाइकें बनी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर ना 64 बाइक्स आई थी, जिसमें से मतलब मैं आपको बताऊं तो 90% बाइक की ना कंडीशन ना बेकार है, चलने लायक कंडीशन नहीं है बाइक्स की, बट कुछ चुनिंदा बाइक्स ऐसी हैं जो आज भी बेहतरीन कंडीशन में है, उनमें से एक ये बाइक अपने बाइकर 7 पे अवेलेबल है। कभी भी खन्ना भाई के ऑफिस से कोई भी बाइक की आपको डिटेल वगैरह चाहिए हो, बाइकर 7 का पेज है इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना। बाइकर 7 के पेज के ऊपर जाना, कोई भी बाइक चूज करना, उसके ऊपर DM कर देना और आपके पास ना टीम फटाफट से रिप्लाई कर देगी। प्रभु नशे में बाइक चला रहे हो? ये नशे में नहीं चला रहे, वाइफ से बात कर रहे हो आप, नशे में चला रहे हो आप, अभी मेरे को मार देते जान से मर जाता मैं। सॉरी सर क्या होता है आपको? नशे में क्यों चला रहे हो? नशे में बंदा कोई भी देख के बता देगा नशे में चला रहा है।
मैं दवाई खाता हूँ। तो आप नशा करके चलाओगे? नशा करके चलाओगे? नहीं, उसमें ना लोग को लगता है कि मैं असम चला। मुंह सूंघियो इसका भाई, इतने इंच से बचाओ, इतने इंच से हो गया। फुल दारू पी के चला रहा है अभी, साइड में ही हूँ भाई। वाइफ से बात नहीं, नशे करके चला रहा है तू। हम अबे किसको मारेगा तू जाके, हैं? ले नहीं, अभी चाबी दो इसकी, चाबी दे। साले तू चाबी के लायक नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। अरे भाई इतने इंच से बचाऊ, इतने इंच से मेरे को ले जाता है ये। किसी के घर पे जा रहा होगा ना खाना देने, ऐसे जाएगा नशे में किसी के घर पे खाना देने। भाई ध्यान दे, फैमिली है भैया। सॉरी। अरे नो प्रॉब्लम भैया, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चलो 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 भाई, एकदम से लेफ्ट काट दी। चल 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 भाई, मेरे को तो डर लग रहा है इस इंसान से। भाई इतने इंच से बचा हूँ मैं, इतने इंच से, और ये भी नहीं कि मैं तेज चला रहा हूँ। कसम से यार, बाइक पे ना हम नहीं है भाई सेफ, मतलब कोई भी ना कहीं से आ जाता है। और बहुत बुरा हरकत है यार, मतलब दारू पी के लोग बाइक स्कूटी चलाते हैं। ये आ गया, कम दारू पिया करो प्रभु। ब्रदर भाई मेरे को प्लीज वाला क्लिप देगा ना। हाँ, और आपके पास कुछ पड़ा होगा तो मेरे को दे। भाई ले ले फोन, ले ले यार, पूरा डेटा डूटा आपका ही है भाई। चलो भाई, बाय 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 बाय। यश भी रुक जा यार, दो मिनट से आते ही चल लेंगे प्लीज यार। भाई इधर एसी चल रहा है, और आके ना कसम से मैं रेस्ट मोड में आ गया हूँ, क्योंकि भाई बैंड बज गया भाई, इतनी हालत खराब हो गई ना। और भाई स्कूटी वाला इंसिडेंट भाई, तुम्हारे तो नजर से दिखा होगा क्या हुआ था। देखा यार, बिल्कुल इतना सा बचा यार, बहुत थोड़ा बचा है। और सोचना गली थी वो यार, उसने एकदम ही कंट्रोल नहीं, उससे वो नशे में आ गया भाई बंदा। पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा भाई जोमेटो वाला वो भाई था। लेकिन ना मैं छोटी सी एक बात बस ये बताऊं कि यार जोमेटो वाले भैया हैं, रिस्पेक्ट है, काम बहुत मेहनत वाला कर रहे हैं, ठीक है। दारू बहुत लोग पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार कि कोई गलत चीज़ है, दुनिया में बहुत लोग पीते हैं यार दारू वगैरह ना। बट यार जिस टाइम पे आप ड्यूटी पे हो, चलो मैं कह रहा हूँ आप घर भी जा रहे हो, जो भी हो यार, इस टाइम पे अगर आप कोई ऑर्डर वगैरह लेने जा रहे हो, देने जा रहे हो, भाई आप किसी के घर दारू पी के जा रहे हो यार, यार रोड पे आप ऐसे चला रहे हो भाई, कसम से। मतलब ना मेरे को ना ऐसे लोगों से ना नफरत ही होती है कि अपने साथ साथ ना किसी और की जान मान का रिस्क लेते हैं। मतलब एक सेकंड का गेम होता है किसी भी क्रैश का, एक सेकंड के अंदर भाई पूरी काया पलट जाती है भाई, फिर हाथ पैर टूटते हैं, चीज़ों का नुकसान होता है, फाइनेंशियली इंसान बैठ जाता है, क्योंकि भाई बंदा घर बैठ जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। तो बस फिर मैं बस यही बोलूँगा यार कि मजे मस्ती ज़िंदगी में सब कुछ करो, बट किसी और को हार्म करने वाला कोई जब दिख जाए ना कोई गेम है, तो भाई मत ही करो, इससे बढ़िया। सो भाई अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और गाड़ी अपनी बाहर खड़ी है, गाड़ी में निकलते हैं घर। बाकी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आई नो भाई, आई नो आज आपको फुल टू मज़ा आया होगा, फुल टू मज़ा आया होगा। होप करता हूँ ऐसे ही व्लॉग्स आपके लिए लाता रहूँगा, बेहतरीन बेहतरीन। और भाई 502 वाह व्लॉग है अपना, तो भाई ये जर्नी देख लो कहाँ से शुरू करी थी, और 500 व्लॉग्स पार कर चुके हैं यार हम, 500 व्लॉग्स। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच खन्ना भाई की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए। आपसे मिलेंगे गाइज अगले ब्लॉग में, टिल देन ड्रॉप राखा, बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू।